साथियों, हमारे हजारों वर्षों की जीवंतता, हमारे पराक्रम की निरंतरता, यही भारत का इतिहास है। लेकिन हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने पीटने वाले हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर, मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लाचित बारफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? क्या देश के संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? हम सब जानते हैं कि अत्याचारों से भरे लंबे कालखंड में अत्याचारियों पर विजय की भी हजारों गाथाएं हैं, जय की गाथाएं हैं, त्याग की गाथा है, तर्पण की गाथाएं हैं। उन इतिहास के मुख्य धारा में जगह न देकर पहले जो गलती हुई, अब देश उसे सुधार रहा है। यहां दिल्ली में हो रहा यह आयोजन इसी का प्रतिबिंब है, और मैं हेमंता जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि ये कार्यक्रम दिल्ली में किया। वीर लाचित बोरफुकन की शौर्य गाथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए असम सरकार ने कुछ ही दिन पहले एक म्यूजियम बनाने का ऐलान किया है। मुझे बताया गया है कि हेमंता जी की सरकार ने असम के ऐतिहासिक नायकों के सम्मान में एक मेमोरियल तैयार करने की भी योजना बनाई है। निश्चय ही ऐसे प्रयासों से हमारी युवा और आने वाली पीढ़ियों को भारत की महान संस्कृति को ज्यादा गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। असम सरकार ने अपने विजन से जन जन को जोड़ने के लिए एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है। इसके बोल भी बहुत अद्भुत है, अहोम और अकाखोर, अहोम और अकाखोर भूटा तोरा तुम्हें। हा और हो कोटी पोरी भाखा तुम्हें, यानी असम के आकाश का ध्रुव तारा तुम हो,
साहस शक्ति की परिभाषा तुम हो। वाकई वीर लासित बोरफुकन का जीवन हमें देश के सामने उपस्थित कई वर्तमान चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणा देता है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थों को नहीं देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमारे लिए परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं बल्कि देश सबसे बड़ा होना चाहिए। कहते हैं कि राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी न निभा पाने पर वीर लासित ने मोमाई को भी सजा दी थी। उन्होंने कहा था, देहोत कोई मोमाई डांगोर न होए। यानी मोमाई देश से बड़ा नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता देश से बड़ा नहीं होता। आप कल्पना करिए, जब वीर लासित की सेना ने यह सुना होगा कि उनका सेनापति देश को कितनी प्राथमिकता देता है, तो उस छोटे से सैनिक का हौसला कितना बढ़ गया होगा। और साथियों, ये हौसला ही होता है जो जीत का आधार होता है। मुझे खुशी है कि आज का नया भारत राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के इसी आदर्श को लेकर आगे बढ़ रहा है।